हेलो दोस्तों, आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं आयशर की प्रो 8035 XM से। दोस्तों आज इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम आपको देंगे और इसके बारे में बताएंगे क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, कैसी गाड़ी है, अच्छी है नहीं है, क्या है, क्या कैसी चलती है और कहां के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले इस गाड़ी के बारे में हम देखिए आपको दिखाते हैं। ये इसका देखिए कितना एकदम एल शेप मर के आपका हेडलैम्प है, साथ में यहाँ इसका लोगो दिया हुआ है प्रो 8035 XM का, ये आयशर का टैग और ये BS6 गाड़ी है दोस्तों, इसीलिए इसमें BS6 का लोगो है। ये इसका फ्रंट लुक देख रहे हैं दोस्तों आप, साथ ही इसमें देख सकते हैं दोस्तों ये जो टायर है ये 12-20 का टायर यूज़ किया गया है इसमें। ये आपका एग्जॉस्ट पाइप है, ये आपका BS6 का ईट सिस्टम, ये एड ब्लू टैंक, डीजल टैंक, इसके फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है दोस्तों, इसमें इंजन है VDX8 इंजन इसमें यूज़ किया जाता है, 300 HP पावर जनरेट करता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है कटआउट स्विच, हाइड्रोलिक टैंक, इंटेक लाइन, इंटेक ब्रीदर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो गियर यूज़ किया गया है ये आयशर का ET140 गियर बॉक्स है। इसके इंटीरियर पे लेके चलते हैं दोस्तों आपको, सबसे पहले आइए इसका इंटीरियर दिखाते हैं। ये हमने किया डोर ओपन, ये देखिए अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। 6-way adjustable आपका ये ड्राइवर सीट है, ये आपको PTO लीवर है, फुट स्टेप। आइए हम ऊपर चढ़ करके इसको दिखाते हैं। ये है दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रीजनरेशन स्विच, ये है आपका रीजनरेशन स्टॉप स्विच, ये फोर व्हील और ये आपका, और ये है P2A स्विच। यहाँ आपको मिल जाते हैं AC के कंट्रोल्स, यहाँ इको पावर स्विच, ABS स्विच, ये है आपका गियर लीवर, 9-speed मैनुअल गियर है, ये रिवर्स है, ये सी है, डबल न्यूट्रल के साथ ही आती है। ये है इसका हैंड ब्रेक, अंदर से इसका लुक देखिए, अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। ये है इसके कैबिन लाइट्स, स्पेस है थोड़ा सा इस कुछ रखने के लिए, आप गाड़ी का पेपर वगैरह कुछ रखना चाहते हैं तो। एक बॉक्स है ये बूट स्पेस, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, ये देखिए। अब हम आपको इसको इस गाड़ी को, ये है आपका फ्यूल मीटर, ये है टेम्परेचर मीटर, ये आपका RPM मीटर, ये स्पीडो मीटर। अब हम आप इसके चाबी ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए सारे सिग्नल्स ऑन हो चुके हैं। देखिए हमने ये PTO ऑन कर दिया है इसलिए PTO इन ऑपरेशन दिखा रहा है। अभी हमने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद इसको हमने कट किया दोस्तों, ये क्लियर हो गया। ये तो ये है इसका कॉम्बिनेशन स्विच, कॉम्बिनेशन स्विच दोनों एक तरह से उल्टा है, आप देखते होंगे जो टर्न इंडिकेटर वगैरह का जो होता है वो राइट साइड में होता है, बस इसमें लेफ्ट साइड में है। ये देखिए हमने इसको ऑन किया दोस्तों और वो लेफ्ट राइट साइड का टर्निंग गेटर ऑन हो गया। अब जैसे ही हम इधर लेफ्ट करेंगे ये लेफ्ट साइड का टर्निंग गेटर ऑन हो गया। हज़ार्ड लाइट के लिए देखिए इसमें राइट में दिया है दोस्तों, बाकी में लेफ्ट में दिया रहता है, इसमें राइट में दिया है। ये देखिए वाइपर के कंट्रोल इसमें इधर से दिए हुए हैं, वाइपर के कंट्रोल आपके लेफ्ट में देते हैं बट इसमें राइट में है दोस्तों। तो ये है आपकी 8035 XM BS6 आयशर की। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर इसके बारे में और कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स करके बताएं, वो वीडियो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।